तो सब में अनुस्यूत परमात्मा है। जैसे लकड़ी में आग सोई हुई है उसे जगाना पड़ता है, स्विच में करंट सोया हुआ है स्विच ऑन करके उसको जागृत करना पड़ता है, ऐसे ही परमात्मा सब में अनुस्यूत है, सुषुप्त रूप में है। उनको जागृत करने के लिए परमात्मा भाव जागृत करना पड़ता है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, सब में उस परमात्मा देव की स्मृति से सब में परमात्मा देव के भाव को जगाना है। एक दूसरा, बचपन छूट गया, हम जो कल खाए थे वो आज छूट गया, आज खाएंगे वो कल छूट जाएगा, रोज खाते रोज छूटता जाता है, एक कदम आगे रखते दूसरा छूटता जाता है, घड़ी एक सेकंड आगे बढ़ती तो पीछे का सेकंड छोटी चली जा रही, पहिया घूमता है न पीछे की धरती छोड़ता जाता है। ऐसे जीवन में नवीन का वरण होता है, पुराने का बीतना होता है, इसलिए पुरानी बातें याद करके दुखी नहीं होना चाहिए और ये बना रहे पड़ा रहे ऐसा आग्रह नहीं रखना चाहिए। जो धन मिल गया सत्ता मिल गई यश मिल गया आप यश मिल गया जो हो गया छोड़ते चलो लेते चलो छोड़ते चलो लेते चलो, कदम आगे उठाते तो पीछे का कदम छोड़ते जा रहे हैं, पहिया आगे घूमता है तो पीछे की धरती छोड़ता जाता है, बच्चा आगे बढ़ता जाता है तो पीछे के खिलौने बिलौने छूटते आए। तो जैसे शरीर आगे का छोड़ता आया है पीछे का छोड़ता है, आगे बढ़ते 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 इस उम्र में आया, ऐसे ही मन से भी जो कुछ मिल गया तो मिल गया छूट गया तो छूट गया, उसको याद करके फंसो मत, उसके लिए विवल मत हो। इन छूटने और पकड़ने की प्रक्रिया हमें एक नया पुराना छूट रहा है नया आ रहा है, पुराना छूट रहा है नया आ रहा है, दिन दिन छीज रहा है, आयुष्य छीज रहा है, बचपन किशोरावस्था सब बीत रही है, उसके पीछे जो अबीत है उस आत्मा में विश्रांति पाओ, अपने मन में त्याग अपनाओ। एक तो वासुदेव सर्वमिति, दूसरा जो छूट गया वो छूट गया, तेन त्यक्ते न भुंजिता, कितना भी पकड़ के रखो सब छूटने के लिए मिलता है। दो बात। तीसरी बात, जो कर्म करो अपने और दूसरों के लिए वर्तमान में हितकारी हो और भविष्य में परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य वाला। और चौथा, एक तो ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब जगत ईश्वर से उत्प्रोत है, जैसे सारी लकड़ियों में अग्नि उत्प्रोत है, सारे तरंगों में जल उत्प्रोत है, ऐसे ही सारे विश्व में परमात्मा सत्ता ओतप्रोत है, उसको जागृत करना है। अग्नि में जैसे लकड़ी में अग्नि जगा देते हैं ऐसे ही परमात्मा को जागृत करो अपने हृदय में और सबके अंदर में। दूसरा, ईश्वर ओतप्रोत है और वो हमारा है। तीसरा, भोग में आसक्ति न करो, जो छूट गया छूट गया, ये मिलना चाहिए होना चाहिए आग्रह नहीं करो, प्रयत्न करो फिर हुआ तो हुआ ना हुआ तो स्वप्न है चलो। तीसरी बात है, बाहरी पसंदगी पर गिद्ध न बनो, जैसे गिद्ध मरा हुआ कुत्ता देखता है आ गिरता है, मक्खियां आपके मुंह से थूकी हुई गंदगी पर आ झपटती है, ऐसे ही बाहर की चीजों पर गिद्ध की ना ही मन को गिरने न दो। किसी की लड़की किसी का लड़का किसी की पत्नी किसी की गाड़ी किसी का फर्नीचर देखकर मन को गिरने नहीं दो कि हमारे पास नहीं है हम ऐसा करें वैसा करें। अरे उसके पास है तो भी रहेगा नहीं, उसके पास इतना है फिर भी वो सुखी नहीं, तो अपने पास आके क्या सुख देगा, अपने पास जो सदा हाजरा हाजूर है वही सुख रूप है। अंतर्यामी ईश्वर का अनादर करके बाहर की चीजें, इसकी गाड़ी बढ़िया है मेरे पास घटिया गाड़ी है, तो उसकी गाड़ी गाड़ी पे गिर पड़े, उसके फैशन पे गिर पड़े, मन को गिद्ध की नहीं जिस किसी पर गिरने ना दो। अगर सुखी होना है तो सावधान रहो। तो एक तो ईश्वर को जागृत करो, सबके अंदर व्याप रहा है, जैसे लकड़ी के अंदर ईश्वर गर्मी है आग है ऐसे सबके अंदर परमात्मा
उसको जागृत करना पड़ता है, लकड़ी की अग्नि को जगाते ऐसे ही सब आकृतियों में निराकार की स्मृति को जगाओ। दूसरा छोड़ते चलो, आसक्ति मत करो, इतना चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। तीसरा गीद की नहीं, अपने को जहां तहां गिरने ना दो। और चौथी बात, अपना जो कर्तव्य है उसमें लापरवाही ना करो, तत्परता करो। अपने को कष्ट में डाल के भी दूसरों की भलाई का काम करने में आप पीछे नहीं हटो। जो अपने सुख के लिए दूसरे को दुखी कर देता है उसको बड़े दुखों में जाना ही पड़ता है, ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते। और जो अपने को कष्ट में दुख में डाल के भी दूसरों के दुख हरता है उसके हृदय में भगवत जागृति, भगवत आनंद, भगवत माधुर्य आ जाता है। ये पक्का सिद्धांत है। अपने को थोड़ा कष्ट दे के भी दूसरे का दुख दूर होता है, दूसरे को सुख शांति और भक्ति मिलती है, तो कार्य करना चाहिए। तो ये है कर्तव्य कर्म, इसको बोलते निष्काम कर्म योग। कामना रहित कर्म को योग बनाने की ताकत सीख। तो एक तो कर्म योग, तत्परता से सत्कर्म करो। दूसरी बात, गीद की नाई जहां तहां अपने को गिरने न दो। तीसरी बात, जो छूट रहा है उसको छूटने दो, नया ग्रहण करते जाओ, छूटता गया। और चौथी बात, ईश्वर को जागृत करो। हरि नारायण गोविंद अच्युत ओम ओम प्रभु। हमारे सुखद अवस्था में भी प्रभु की कृपा का हाथ है कि हमें उत्साहित आह्लादित आनंदित करता है, और हमारी दुखद अवस्था आई तो इसमें प्रभु का हाथ है, हमारी आसक्ति मिटाते, ममता मिटाते। बेटा कहने में चलता है तो भगवान की कृपा है, पत्नी कहने में चलती है गिरजाबाई तो एक नाथ बोलते भगवान तुम्हारी कृपा है कि सारा बोझा उसने उठा लिया, मैं निश्चिंत होकर तुम्हारा भजन करता हूँ। तो काराम की पत्नी उठते बैठते उन्हें सुनाती, और कभी कभी तो गन्ना उठाकर मार देती, गन्ने के दो टुकड़े कर देती। तो विठ्ठल तुम्हारी कृपा है, पत्नी झगड़ा खो दिया आसक्ति मिटाने के लिए। नरसिंह स्वामी की पत्नी, नरसिंह महाराज की पत्नी चल बसी है तो बोलते विठ्ठल तुम्हारी कृपा है, दो होते थे एक दूसरे का चिंतन करते थे, दो कंगन दो बंगड़ी होती है तो खटखट होती, तुम ले लिया उसको अपने चरणों में, बड़ी कृपा। तो जो कुछ घटना घटती उसमें फरियाद की जगह पर ईश्वर की कृपा की समीक्षा करो। एक होती है प्रतीक्षा, दूसरी होती है समीक्षा। प्रतीक्षा उसकी होती जो चीज नहीं है मिलेगी, समीक्षा जो है जो हो रहा है उसमें खाली देखो। तो ईश्वर की कृपा की प्रतीक्षा नहीं करो, ईश्वर तो पल पल में बरस रहे, क्षण क्षण में बरस रहे। हमने क्या अपनी मेहनत की थी, माँ के गर्भ से जन्म लिया, हमारी माँ ने बाप ने हमने कोई प्रयत्न नहीं किया। ईश्वर की कृपा का ही प्रभाव है कि माँ की रोटी सब्जी में से दूध बन गया। ईश्वर की कृपा, ईश्वर की सजगता, ईश्वर की उदारता, ईश्वर की सर्वसमर्थता, और ईश्वर हमारे कितने सुहृद है। जब हम भोजन करने के काबिल हुए तो माँ के शरीर से दूध बनना बंद हो गया। दुनिया के सभी विज्ञानी को मिलकर माँ खाती उससे 10 गुना खाना दे दो, गाय भैंस खाती उससे 10 गुना चारा दे दो, एक एक लीटर दूध तो बना के दिखाए मशीन में, नहीं बना सकते। तो ये ईश्वर की, ये घास तो ईश्वर का श्री है, संपदा है, लेकिन घास में से दूध बनता है ईश्वर का वैभव। पानी ईश्वर की संपदा है, अंगूर का रस बनता है ईश्वर का वैभव। ऐसे ही रोटी सब्जी यह हमारी या ईश्वर की संपदा है, उसमें से खून बनाते अंतर्यामी आत्मा परमात्मा का हमारा वैभव है। इसी में से हम बाल बनाते, हड्डियां बनाते, मन बनाते, बुद्धि बनाते। तो बाहर के जगत में जैसे ईश्वर का वैभव है, ऐसे शरीर में हमारी आत्मा ईश्वर का भी तो वैभव है। तो हम नहीं जानते तो जीव आत्मा है, कामी है, क्रोधी है, लोभी। अगर अपने ईश्वर को स्वभाव को जानते हैं तो फिर हम उसी की संतान है। संसार मिट जाता है, ईश्वर नहीं मिटते। ऐसे शरीर मिट जाता है, हम तो नहीं मिटते। संसार बदलता है, ईश्वर उसको जानते हैं। तो शरीर बदलता है, उसको हम जानते हैं। तो हम ईश्वर की जात के हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय फलाना ढिंगणा ये शरीर की जात है,
हमारा आत्मा ईश्वर की जात का। हम काय को पान मसाले के गुलाम हो, काय को चिंता में पड़े, काय को भविष्य का चूत सोच के भय करें, काय को भूतकाल का सोच कर शोक करें, वर्तमान में लुफंगों की नाई विकारों में क्यों गिरे। संयम से रहकर अपने ईश्वर की स्मृति, ईश्वर के लिए ऐहिक वस्तुओं की आसक्ति का त्याग, कर्तव्य में तत्परता और गिद्ध की नाई कहीं ना गिरना, फिर रोज भगवान का ध्यान करना। ओ रियो एक टक देखना, फिर थोड़ा चुप होना, फिर एक टक, ऐसे शुरू शुरू में 8-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा, एक एक घंटा दिन में 2-3 बार करो ना, तो 6 महीने में तो आप कहीं पहुंच जाओगे।